केसेस भी टॉप 20 एमसीक्यू वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। डे 7 आपके सामने आने वाला है। इससे पहले वाले जितने वीडियोज हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी देख चुके होंगे। 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। आपको ऑप्शन में चार माउंटेन रेंजेस के नाम दिए गए हैं, अरावली, सतपुरा, अजंता या सह्याद्री, या जिसे चलो अगला ऑप्शन बता दूंगा मैं आपको। इनमें से कौन से माउंटेन रेंज ऐसे जो सिर्फ एक ही स्टेट में पर्टिकुलर है, किसी दूसरे स्टेट में जा ही नहीं रहे वो माउंटेन रेंज। देखो अरावली की अगर मैं बात करूंगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको अरावली देखने को मिल रहा है ना। अरावली की बात करेंगे तो दिल्ली से स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली, आप ऐसे हरियाणा कर लो, राजस्थान कर लो, और गुजरात में जाके इसका एंड होता है। तो इसका मतलब ये एक स्टेट में तो लिमिटेड नहीं है माउंटेन रेंज के, सारे पहाड़ों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन में कहा हुआ सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज की अगर हम बात करेंगे वो गुजरात से ही स्टार्ट हो रही है, फिर महाराष्ट्र में भी जाता है, फिर मध्य प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ में जाके एंड हो जाता है। तो ये भी तो एक स्टेट में लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अजंता की बात करेंगे, अजंता ही है जो माउंटेन रेंज और एक ही स्टेट में, और ये कौन से स्टेट में आ जाएगी, महाराष्ट्र स्टेट में है अजंता की मैं अगर बात करूंगा। और महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ये आती है, क्योंकि एक ही स्टेट में तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में जो सह्याद्री देखने को मिल रहा है, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है इंडिया की बात की जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इस तरफ ईस्टर्न घाट, इस तरफ वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट वालों से सह्याद्री भी कहा जाता है। ऊपर वाले जोन में तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, मुंबई, गुजरात वगैरह इन सभी में होकर निकलता है ये, तो वो भी एक स्टेट में लिमिटेड नहीं है। क्लियर हो गया, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉरेस्ट इन साइलेंट वैली ऑफ केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जो भी फॉरेस्ट आते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली तो को पता है केरला में, वहाँ पे पार्क भी इस नाम से तो ऐसे पता होगा। वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो किस तरह के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट तो वो हो गए जो आपको मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलते हैं ना, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएंगे। डेसिड्यूस, जहाँ पे मैं आपको सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। डेसिड्यूस मतलब जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होती है, बारिश वगैरह जहाँ पे कम होती है वो डेसिड्यूस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ट्रॉपिकल आप उनको बोल सकते हो जो एवरग्रीन होते हैं, जब पानी ज़्यादा आता है तो वो ट्रॉपिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे। और कॉन्फ्रेस जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो होते हैं जैसे पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ वगैरह पड़ती है, वहाँ के पेड़ ऊपर से इस तरह की शेप होती है, बर्फ गिरेगी तो आराम से नीचे आ जाएगी। सॉरी, एक तो पता नहीं क्या जब भी पढ़ाता हूँ चीज़ें बड़ी आ जाती हैं, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल तो वैसे ही एवरग्रीन हो गए, और केरला में बारिश तो होगी होगी, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे आपको फॉरेस्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। इतनी बारिश होती है और इतने डेंस होते हैं फॉरेस्ट से कि सनलाइट नीचे पहुंच ही नहीं पाती है ना, जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है, और बारिश पे छिकासी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स। रोड्स की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो कौन से स्टेट इंडिया में टॉप करती है, जब सबसे ज्यादा रोड लेंथ आपको देखने को मिलेगी। अगर 2005 के हिसाब से स्टार्ट करेंगे तो देखो जैसे आंध्र प्रदेश सबसे आगे चलता था, फिर यूपी वगैरह होता था, इस तरह से चलता था। लेकिन आज जब हम 22-23 की बात करें उस डाटा के हिसाब से देखेंगे, तो आंध्र प्रदेश यूपी को कहीं पीछे छोड़कर जो टॉप करता है वो कौन करता है, महाराष्ट्र यहाँ पर टॉप करता है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स आपकी इनकम के हिसाब से, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा लगेगा, कम होगी तो कम लगेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कौन सा है, तो इनकम टैक्स आ जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में बेसिक। मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मटकी एक फेमस डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट की ये फेमस डांस फॉर्म, आपको वो बताना था। मटकी देखो ये क्या है, ये ऑप्शन आपको राजस्थान देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है, हरियाणा है, बिहार है, बट जो करेक्ट आंसर है वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। ट्रेडिशन है मतलब लड़कियां जनरली सोलो भी होता है, कभी कभी ग्रुप में परफॉर्म करा जाता है, लेकिन हर एक लड़की जो है अपने ऊपर वो मटकी, यानी कि जो मटकी आप समझ रहे, तो आपको इमेज भी दिखी होगी, वो उसकी सीरीज होती है सर के ऊपर से बैलेंस करना होता है और डांस करना होता है, जिसमें मेन इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है वो ढोल, इस मेन इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो यूज़ कर जाता है, फिर सर्कुलर पैटर्न में डांस करना होता है, उसको भी बैलेंस करना होता है, लहंगा या फिर साड़ी वगैरह कुछ भी इस यूज़ किया जाता है इसके लिए, है ना, ऑर्नामेंट्स भी बड़े होते हैं। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स
इवन फॉर सेक्रीफिशियल पर्पजेज, पहले राजा कौन थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें, जिन्होंने मतलब एनिमल जो बोलते ना कि बलि देना वगैरह इस तरह से, वो कहा कि सेक्रीफिशियल पर्पजेज के लिए भी आपने नहीं बलि वगैरह देनी इस तरह से। तो हालांकि जब हम लेटेस्ट जो आज के टाइम पे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं जैनुलाब्दीन, लेकिन उनसे भी काफ़ी पहले मेघवर्ष की बात करें, उन्होंने ये परंपरा चलाई थी कि एनिमल्स को स्लॉटर नहीं करा जाएगा, बलि वगैरह नहीं दी जाएगी, इस तरह से कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको तीन तरह की माइंस देखने को मिल रही हैं, एक है मेल का, इन तीनों के नाम आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। एक है मोगला और एक है बरियाल माइंस। ये माइंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन किससे रिलेटेड हैं? क्या जिप्सम की माइंस हैं, यानी कि खान जैसे वो खोदा खोद के निकाला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो ना, कोयले की माइन है, माइका की है, लाइमस्टोन की है। देखो ये मेल का, मोगला, बरियाल की बात करेंगे, ये कोयले की माइन है, और ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इनमें भी सबसे फाइन क्वालिटी का जो कोयला है वो राजस्थान के कालाकोट में, राजस्थान भौरों में, राजौरी के कालाकोट में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इस बारे में भी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गार्डन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1619? 1619 में ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा गार्डन जो इस्टेब्लिश करा गया था? शालीमार बाग, शालीमार गार्डन की बात करेंगे, श्रीनगर में मुगल गार्डन की कैटेगरी में आता है, 1619 में से इस्टेब्लिश करा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें, वो कौन से साल में से लॉन्च करा गया था? तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड था। वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये 2019 में लॉन्च करा गया था। पर्पस क्या था? जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जो ट्राइबल्स मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट करा गया था, जो भी ट्राइबल लोग हैं या जो भी ऐसे इलाकों में लोग रहते हैं जो जंगल पे डिपेंड आप ऐसा कह सकते हो, उन्हें तैयार करना कि वो किस तरीके से अपनी मतलब अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, उन्हें मार्केटिंग सिखाई जाए, जो भी मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह उन्हें कैसे मार्केट तक पहुँचाना है, किस तरह से ग्रोथ वगैरह करनी है, सेल्फ रिपेंड, खुद जो अपने आप पर डिपेंड रहना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, वो सब चीज़ सिखाने के लिए ये वन धन इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया गया था। पहले नॉर्मल जो अच्छे से इंस्टीट्यूशन द्वारा से बच्चों को बुलाया जाएगा, इनको तैयार किया जाएगा, फिर आगे वो ट्राइबल की हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में कौन से तरह की सिल्क जो उसकी प्रोडक्शन करी जाती है? चार आपको ऑप्शन दिए गए, मलबरी, एरी सिल्क, तसार, हर तरह की करी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नारी को नमन स्कीम? नारी को नमन स्कीम जो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरह लॉन्च करा गया था, पर्पस क्या था? कि जो भी वुमेन ट्रैवलर्स हैं उन्हें आधा किराया चार्ज किया जाएगा, लेकिन विद इन स्टेट, यानी क्या बोलो यहाँ से मुझे घूमने मुंबई चल जा रहा है तो आधा किराया लगेगा, वैसा नहीं, विद इन स्टेट अगर घूमना है तो आधा किराया लगेगा। ये कौन से स्टेट की तरह लॉन्च करा गया था? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इनकम लेफ्ट विद द पीपल आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस? जब आप पर्सनल डायरेक्ट टैक्स वगैरह पेमेंट कर देते हो, टैक्स पेमेंट करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल इनकम, एवरेज कैपिटल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP? तो उसे डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा पहले प्रोग्रेसिव टैक्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एमिशंस? अगर ध्यान दिया जाए तो जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से लेस पोल्यूशन फैलाने वाला, कम पोल्यूशन वाला फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल, नेचुरल गैस, कैरोसिन या कोल? पेट्रोल, कैरोसिन, कोल, तीनों को जलाओ तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं, लेकिन नेचुरल गैस में कार्बन कंटेंट है लेकिन कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो कम पोल्यूशन फैलाएगा। तो ऑप्शन नंबर पर नेचुरल गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोंग डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? पोंग डैम की बात करें, कौन सी नदी पर बना हुआ है पोंग डैम? देखो अगर आपको इसका दूसरा नाम पता है पोंग डैम का, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। पोंग डैम को ब्यास नाम, ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब ये इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में अब मुझे तो पोंग डैम है कहाँ पर है, ये डैम है कहाँ पर, ब्यास डैम, मुझे कमेंट सेक्शन बता दो आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए में सतलुज डैम देखने को मिल रहा है, सतलुज डैम की बात, सतलुज रिवर की अगर हम बात करें, सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? सतलुज के ऊपर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आपको पता बड़ा फेमस है हिमाचल प्रदेश में, तो वो बना हुआ है। फिर ब्यास आपको बताया, रावी, रावी के ऊपर एक फेमस है कौन सा? रंजीत सागर डैम, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, पंजाब के बॉर्डर में आप कह सकते हो, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वो आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर चिनाब, चिनाब के ऊपर एक फेमस सलाल डैम है रियासी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे।
फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, पहली वुमेन जज कौन थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। अभी हमें कन्फ्यूजन गीता मित्तल में होता, हम जल्दबाजी में गीता मित्तल टेक करते थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। यहाँ पर कहा जा रहा है फर्स्ट वुमेन जज, ना कि चीफ जस्टिस, वो पूछे नहीं जा रहा। तो फर्स्ट वुमेन जज जो थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की वो सिंधु शर्मा थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चार पांच क्वेश्चन और रह गए वो भी कवर कर लेते हैं, बट उससे पहले बोलना चाहूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप अभी रिस्पॉन्स आपके एंड से कम आ रहा है, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर फॉलो कर लो। क्या आपको पता है कि जो हमारी धरती है, हमारे अर्थ की बात करेंगे या इंडिया की बात करेंगे, तो उसमें इंडिया की लोकेशन पहले गोंडवाना लैंड में हुआ करती थी, फिर वो ऊपर चले गई थी। सारी स्टोरी आपको पता है, अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कल शाम को ही रील डालिए जेके लेटेस्ट इन्फो वाले इंस्टाग्राम अकाउंट में, वहाँ पर जाके वो रील देख सकते हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाले और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट दी गई है चार, कौन से सही नहीं आपको वो बताना है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949। सेकेंड में कहा गया द सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर थ्री में कहा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन 1976। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से कौन सा गलत है आपको वही बताना था। जो ऑप्शन नंबर ए है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को मैं अडॉप्ट करा था, बट इम्प्लीमेंटेशन की जो 26 जनवरी 1950 वाली है ना, तो ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, कहा जा रहा है दो स्टेटमेंट दी गई हैं, जो आईएनसी का पहला सेशन होता है उसको लेकर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो कौन सी सही है कौन सी गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है, आपको बताना है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि 1885 में हुआ था, बिल्कुल। दूसरे में कहा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू द साइमल्टेनियस सेशन ऑफ द आईएनसी। देखो यहाँ पे पहले में कहा गया कि 1885 में, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल सही है, पहला सेशन 1885 में हुआ था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहा जा रहा है भीमगढ़ फोर्ट की बात करें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो भीमगढ़ फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, भीमगढ़ फोर्ट, इसे रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं से आपका कहानी खत्म हो जाती है, ये रियासी में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इस्टेब्लिश देव डायनेस्टी, जम्मू कश्मीर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, जेकेएसएफबी वीएलडब्ल्यू जीके के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री तो करवाई हुई है, जम्मू की हिस्ट्री के भी कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो भी जाके देख सकते हो। देव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रजधर के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे, एलजी का मतलब क्या है। एल जी मीन्स द एल जी का मतलब होगा कि यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और प्रेसिडेंट इन्हें वहां पे भेजेंगे, इस तरह से कहा गया। कौन से पार्ट में कहा गया है, तो ये पार्ट फोर जो था हमारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला, उसमें कहा गया था, जिसमें पहले ये कहा गया था कि 239A के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, उसी में ये कहा गया था कि यहाँ पे एल जी वगैरह होंगे इस तरह से करके, तो पार्ट फोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डे सेवन आपके सामने आज कंप्लीट हो गया है, कल संडे था तो कल आपके सामने टेस्ट आया था, तो यही चला करेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक वीडियोस आएंगी और संडे को टेस्ट हो जाया करेगा, तो जितने भी पहले पढ़ाया होगा वो अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि टेस्ट के टाइम पर आप किसी तरह की मिस्टेक ना कर सको। और जब भी मैं आप जैसे कल आपसे मैं टेस्ट ले रहे थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप उसका आंसर बता रहे थे, लेकिन आपने करना क्या है, जैसे मैं आपको भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन की कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, वही काम आपने करना है। जब आप टेस्ट दे रहे होते हो ना, जब आंसर अपने दे देते हो, आंसर एक बार आंसर कमेंट करने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर लिया करो, सबकी रिविजन होती जाएगी और जो कमेंट पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प होती जाएगी, और आप जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपको नहीं भूलने वाला है, इतना काम आपको करना है। तो जितना भी पढ़ाता जाऊंगा, सैटरडे तक सर अपने रिविजन कर लेनी अच्छे से, संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है, संडे को रात को 9 बजे के करीब जो है वो लाइव हुआ करेगा, और ऐसा हर वीक चलने वाला है। और अभी सिर्फ जीके की वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, आने वाले दिनों में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ भी आपके सामने आते जाएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में डिटेल्ड वीडियोस भी आती जाएंगी। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।